चेकपुरा का इस्लामिया स्कूल का एक छात्र टॉपर हुआ, पूरे बिहार में टॉपर हुआ। हम उसके घर पर हैं और छात्र से भी जानना चाहते हैं कभी टॉपर की सूचना कहाँ से मिली है, बताइए नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद रुमान अशरफ। ये आप पूरे बिहार में टॉपर किए हैं, ये कहाँ सूचना मिली आपको? मतलब कॉल आया था। कहाँ से? सर किया था। अच्छा अच्छा, तो कैसे क्या लगता है आपको सूचना मिली तो? मतलब अच्छा लगा। कहाँ से तैयारी, कहाँ पढ़ाई किया? मतलब घर में ट्यूशन जाते थे। और स्कूल कौन था आपका? इस्लामिया प्लस टू हाई स्कूल। अच्छा, टॉपर किए तो आगे क्या आपकी मंशा है, क्या करेंगे आप? अभी मतलब उतना सोचे नहीं, अभी तो रिजल्ट आया सोचे नहीं। फिर चूंकि आगे क्या कुछ तो होगा विचार में, कि जब इतना टॉपर आए हैं पूरे राज्य में आपका स्थान आया है, क्या बनना चाहेंगे आप? अभी मतलब क्या पता, कुछ भी तो कुछ मिशन तो होगा आपका, एनडीए या फिर? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए सर आप पिता हैं आप। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है आप लोगों से मिल करके, सब लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने क्या इसके कैरियर के बारे में क्या आपकी समझ है? अब जो करना चाहे। कितना मेहनत करता था घर में, कहाँ का पढ़ाते थे बच्चों? पढ़ते रहता था। अच्छा अच्छा, कभी अंदाजा था कि टॉपर कर जाएगा पूरे बिहार? हमको उम्मीद थी कि अच्छा करेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नजीबुर रहमान। कहीं आप नौकरी भी करते हैं क्या? शिक्षक है प्राइमरी स्कूल बालक मतलब सकूनत में। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप इस्लामिया स्कूल में टीचर भी हैं, क्या लग रहा है आपको किस तरह से वहाँ की तैयारी एजुकेशन पर? तो लग रहा है कि बेहतर एजुकेशन वहाँ का है, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे टॉपर किए हैं। मैं सब सर्वप्रथम इनको जो है पूरे परिवार को और खास करके रुमान अशरफ को बधाई देता हूँ कि जो है आपको हमारे इस्लामिया उच्च विद्यालय का इन्होंने नाम रोशन किया पूरे बिहार में, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ ही सभी शिक्षकों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ जो है इस जो है आज ये इस्लामिया स्कूल के लिए गौरव का दिन है और हम सभी लोगों के लिए जो है ये जश्न का दिन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद हुआ। आप बताइए सर, आप भी चूँकि शिक्षक हैं उस स्कूल का, सबसे पहले बच्चे रुमान अशरफ को हम सारे शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज बहुत खुशी की बात है कि रुमान अशरफ ने हमारे ज़िले का, हमारे स्कूल का और हम शिक्षकों का बिहार पे नाम रोशन किया है। बिहार में टॉप होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और लड़का बहुत मेहनती थी, स्कूल आता था, हम लोग पढ़ने पढ़ाने क्रम में देखते थे, बहुत मेहनत करता था। तो पूरा जश्न का माहौल देखा जा रहा है, बधाइयों का तांता लग रहा है इनके घर पर, छात्र क्योंकि पूरे बिहार का ये टॉपर छात्र हुए हैं। पूरी उम्मीद की जा रही है कि और आगे भी इनका करियर कुछ इसी तरह का अपने मुकाम पर जाएंगे। मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ है, लखीसराय का जयनंदन बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ मौजूद है जयनंदन, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद सर। क्या है, किस तरह से आप तैयारी किए थे? सर मेरा जो तैयारी था वो शुरुआत से ही था, जैसे ही मतलब कि टेंथ में जैसे हम आए थे तो उससे ही मतलब तैयारी हम स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि उस समय सर किसी भी स्टूडेंट पर ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई कोई स्टूडेंट जो होता है वो लास्ट में सोचता है कि लास्ट में हम तैयारी करेंगे, लेकिन मेरा वैसा नहीं था। हम शुरुआत से ही मतलब कि तैयारी में जुट गए थे, भले ही मतलब अपना तैयारी नहीं करते थे लेकिन तैयारी था, लेकिन मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते थे और डाउट एक भी नहीं रहता था। डाउट अगर आता था तो मतलब कि सर का, नहीं तो मोबाइल का उपयोग करते थे। कौन मदद किए सबसे ज़्यादा, श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सर सबसे ज़्यादा श्रेय तो हम अपने माता पिता, दादा दादी और अपना अपनी मेहनत को और अपने दीदी जीजा और अपने भैया को देना चाहते हैं सर, और गुरुजन। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी का एक पान का दुकान है सर। पान का दुकान चलाते हैं? यस सर। काफ़ी मेहनत किया आपने। हाँ सर। आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर आगे हम IIT करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। गाइडलाइन देते थे कि जो भी उनका इंस्ट्रक्शन रहता था बस उसको फॉलो किए हम लोग। कितना घंटा पढ़ाई करते थे पढ़ रहे? 5 से 6 घंटा। 5-6 घंटा। इस श्रेय किनका जाता है, सफलता का? सर टीचर्स और पेरेंट्स को। बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? यही कि जिनका इस पर नहीं है वो हार नहीं माने, मेहनत से सब होता है। सक्सेस वैसे भी एक डेस्टिनेशन, ये पूरा जर्नी है, तो किसी एक पॉइंट पे फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, तो बस उसे हार नहीं माने, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगा। जिस लगन से आज तक पढ़ते आई है आगे भी पढ़े और अपना जिसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करे। इनकी पढ़ाई में आप कितना मदद की है? सर इसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम पढ़ो, इस तरह से कभी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की है, अब अपने से ही मेहनत करती है और खूब पढ़ती है। हम लोगों को तो विश्वास था, लेकिन फिर भी विश्वास इसलिए नहीं रहता है कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं, विश्वास तो था 1 से 3 के अंदर आने के लिए, इस विश्वास पर खड़ा उतरी। पूरी उम्मीद थी और पिछले साल ही हम लोग ने स्ट्रेटजी अपना बना लिया था और पूरी उम्मीद है और आगे भी जलवा बकरार रहेगा। मेरा लक्ष्य है कि पूरे बिहार में नंबर 1 हमेशा बने और सभी स्कूल को पीछे छोड़ेंगे और
आगे और भी टॉप 10 लिस्ट जारी रहेगा।